गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुनुगुल ओडिशा। इसी यूनिवर्सिटी को शॉर्ट में GIIT यूनिवर्सिटी बोला जाता है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1997 में विद्या भारती एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा की गई थी। इसका कैंपस लगभग 113 एकड़ के लैंड एरिया में फैला हुआ है। यहां पर आप बीटेक, एमटेक, यूजी और पीजी के डिग्री कोर्सेज, एमबीए में स्पेशलाइजेशन के साथ, और आप यहां से PhD भी परसू कर सकते हैं। GIIT यूनिवर्सिटी गुनुपुर से सबसे करीब रेलवे स्टेशन है रायगढ़ा रेलवे स्टेशन, जो करीब 75 किलोमीटर दूर है, और सबसे करीब एयरपोर्ट है विशाखापट्टनम एयरपोर्ट, जो 204 किलोमीटर की दूरी पर है। आज के रिव्यू में हम लोग इस कॉलेज के कोर्स डिटेल, प्लेसमेंट्स, फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल एंड मेस, एनुअल फेस्ट के साथ साथ और कुछ जरूरी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। कोर्स डिटेल। इस कॉलेज से आप बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए, बीबीए, बीए, एमए, एमएससी और पीएचडी पर सु कर सकते हैं, और भी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आप इस कॉलेज में किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। आप इस कॉलेज में GIIT EE के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, जो इस कॉलेज का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। ऐसे तो आप इस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। अब प्लेसमेंट रिपोर्ट की बारी। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई इंफॉर्मेशन के आधार पर 2020 में अराउंड 691 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए। आप ब्रांच वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड को भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पैकेज अराउंड 10 लाख पर एनम और प्लेसमेंट परसेंटेज अराउंड 90% के आसपास है। लास्ट में आप स्क्रीन पर कंपनियों की लिस्ट को देख सकते हैं, जो इनके कैंपस को 2020 में विजिट करने आए थे। इसमें कुछ बड़े बड़े कंपनियों के नाम भी शामिल है। फी स्ट्रक्चर। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर फी स्ट्रक्चर को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, पर कुछ वेबसाइट्स और स्टूडेंट्स रिव्यूज के माध्यम से ली गई इंफॉर्मेशन के आधार पर फी स्ट्रक्चर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी फी स्ट्रक्चर सिर्फ फर्स्ट ईयर का ही दिया हुआ है। हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटी ऑफ कॉलेज। हॉस्टल के फी स्ट्रक्चर को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार रखा जाता है। हॉस्टल में आपको सारी बेसिक फैसिलिटी मिल जाएगी और मेस में आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड के ऑप्शन मिल जाते हैं। और कौन कौन से कॉलेज रिव्यूज को आप देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।